पठान से सामने आया दीपिका का धांसू अवतार, बंदूक ताने दिखा मिसेस सिंह का ब्रांड न्यू अंदाज। जब से पठान का ऐलान हुआ है तभी से फैंस इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। अनाउंसमेंट के साथ साथ दिन पर दिन लीक हो रहे स्टार्स के लुक और अपडेट्स फैंस के एक्साइटमेंट को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अब लंबे इंतजार के बाद फिल्म से दीपिका का पहला लुक भी सामने आ गया है। हाथ में बंदूक थामे, चेहरे पर चोट के निशान लिए दीपिका पोस्टर में गुस्से से घूरती हुई नजर आ रही हैं। दीपिका ने खुद फिल्म से पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा है, टाडा पठान 25 जनवरी को हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज हो रही है। वहीं शाहरुख खान ने भी दीपिका का मोशन पोस्टर शेयर करते हुए लिखा है, उसे तुम्हें मारने के लिए गोली की जरूरत नहीं है। वेल, दीपिका के लुक्स ही इतने कातिलाना हैं कि उन्हें बंदूक की क्या ही जरूरत। इससे पहले शाहरुख खान का लुक पठान से रिवील किया गया था। किंग खान के हाथ में बड़ी सी गन और चेहरे से खून टपकता देखा गया था। फैंस को बादशाह खान का ये रफ एंड टफ लुक काफी पसंद आया था। इस फिल्म के लिए एसआरके ने अपनी फिजिक पर जमकर मेहनत की है, जो साफ दिख रहा है। वैसे पठान में शाहरुख और दीपिका के अलावा जॉन अब्राहम भी हैं, जो फिल्म में विलेन के रोल में नजर आएंगे। ये फिल्म 25 जनवरी 2023 को हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी। बात करें बादशाह खान की तो शाहरुख पठान के साथ लंबे समय बाद बिग स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं। शाहरुख खान की बैक टू बैक कई फिल्में रिलीज होने वाली हैं। पठान के अलावा शाहरुख खान एटली की फिल्म जवान और राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी में भी नजर आने वाले हैं। वहीं दीपिका पादुकोण शाहरुख खान की पठान के अलावा प्रभास के साथ फिल्म आदि पुरुष में भी नजर आएंगी। इसके अलावा उनके पास द इंटर्न है, जिसमें वो अमिताभ बच्चन के साथ नजर आएंगी।